यो व्हाट्सअप गाइस, तो हम खेलने वाले हैं हम माइनक्राफ्ट। एंड गाइस, आज हम लोग इसे दोबारा से खेलने वाले हैं। सॉरी गाइस, वो थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा गलत हो चुका था। एंड गाइस, आपको याद ही होगा कि लास्ट टाइम वाले वीडियो में हम लोगों ने एक सीक्रेट केव बनाई थी। और गाइस, मैंने उस केव में थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं। लाइक ये देखिए, मतलब मीन्स ये तो मैंने यहाँ पर तो कुछ भी चेंज नहीं किया। यहाँ पर देखिए, ये आ गया आप लोग केव के अंदर। इसको मैंने बंद कर दिया। गाइस, मैंने पूरी केव की थीम को एकदम वाइट ही कर दिया है, ये देखिए। और यहाँ से आप लोग बाहर, बस यही छोटा सा चेंज किया है। और आपको पता ही होगा कि मेरे इतने सारे वर्क इनकम्प्लीट है, मतलब बहुत सारे वर्क पेंडिंग होंगे। तो एक आज मैंने छोटा सा वर्क यह भी किया है कि इसमें मैंने जो मेरे को पसंद आया वो मैंने कर दिया। एंड गाइस, आपको थीम अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं अच्छी लगी तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसे चेंज कर दूँगा। तो गाइस, अभी चलते हैं। आज मैं करने वाला हूँ, मतलब मींस मेरा इतना वर्क इनकम्प्लीट रहता है इसमें कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो आज मैं अपने सेकंड फ्लोर को सेट करने वाला हूँ, वो भी इतने टाइम बाद। गाइस, मैंने कब बनाया था सेकंड फ्लोर एंड मैं कब जाकर उसे सेट करने वाला हूँ। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ ऊपर। और जब तक मैं इसे कर रहा हूँ सेट, जब तक आप मेरे वीडियो को करते लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस, वर्क को करते स्टार्ट। एंड मेरा प्लान अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ये जो ग्लास लगा है ना, इस जगह पे भी मुझे ये वाली ब्लॉक्स लगा देने चाहिए। बिकॉज गाइस, इधर से कुछ ग्लास की थीम ही नहीं आ रही है। अगर एंट्री इधर से, तो मुझे इधर ही बालकनी निकालनी चाहिए थी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, तो इधर एक बालकनी भी निकाल ही देते हैं। तो बालकनी निकालने के लिए ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना हमें, कुछ नहीं, बस ये दो ब्लॉक को छोड़ देना है। दो को छोड़ना है गाइस। वो थोड़ा हम छोड़ दिए थे मैंने ब्लॉक्स। एंड ये देखिए, ये छोड़ दिए गाइस मैंने दो ब्लॉक्स। और यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल डोर रहने वाला है। और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत ग्लास लगा दूंगा, इसलिए मैं बालकनी के आसपास का भी देख पाऊँ। ओके, यहाँ पर ग्लास लग जाएगा। ऊपर आप लोग कुछ भी नहीं करने वाले, ऊपर सिंपल से अपनी बाउंड्री रहने वाली है। या फिर ऊपर बाउंड्री आ गाइस, बाउंड्री रखनी पड़ेगी। बिकॉज बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो बिना वॉल के हैंगल नहीं कर सकते आप लोग। तो फटाक से लगाते हैं गाइस, यहाँ पर करते हैं पूरा कंप्लीट। एंड ये देखिए, मतलब इसमें ज़्यादा वर्क तो नहीं लगने वाला, ज़्यादा टाइम तो लगने वाला नहीं है इसमें। ये लगा दिए यहाँ पर, ख़त्म। यहाँ पर एक गैस छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ पर भी ग्लास लगा देंगे आप लोग। गैस सब में नहीं, मैं एक को ही छोड़ने की बात कर रहा हूँ। ये हो चुका है। एंड गैस, ये रहा ग्लास, ग्लास लगा लो सर, थोड़ा सा ग्लास इधर। पता नहीं, मैं अपनी थीम में हमेशा पता नहीं क्यों बेकार रखता हूँ, वुड के साथ में ग्लास, कुछ भी कर दिया मैंने। एंड इधर साइड में थोड़ा सा चेंजेस करूँगा, इधर थ्री ब्लॉक का करने वाला हूँ मैं। ओके, थ्री ब्लॉक्स का, तो मतलब एक जो ब्लॉक मेरा जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसकी पूरी लेयर को ही मैंने कट कर दिया है। एंड इधर थोड़ी वुड की थीम रखने वाले, मीन्स पीछे ग्लास, इधर थोड़ी वुड की थीम। तो वाइज वुड में निकाल लेता हूँ। वुड के मैंने फेंसेस गाइस कहीं पर बना कर, मतलब मैंने नहीं बनाए थे गाइस, क्रिएटिव में हूँ इसलिए ऑलरेडी बहुत सारे फेंसेस हैं। तो लगा देता हूँ इधर साइड में। ये देखिए, एक काम करेंगे गाइस आप लोग, एक बार इसके डोर के लगा कर देखते हैं। एक बार इसको डोर की बालकनी भी गाइस, वैसे इतनी बुरी नहीं है, डोर की करते हैं इस बार। थोड़ा बहुत कुछ अलग रखने वाले हैं इस बार। ओके, और गाइस एक दिन मुझे पूरा ये जितना भी वर्ल्ड लेगा इसको गाइस, इसमें टॉर्चेस बहुत सारी लगानी है। मीन्स टॉर्चेस की यहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए, इतनी लाइट होनी चाहिए कि देखने में और दिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस गेट के ऊपर नहीं लगेगी फैंस, तो यहाँ पर का एक और यहाँ का भी एक, इधर साइड दो फैंस लगाए थे जिस फैंस के ऊपर गाइस लाइट लग सकेगी। टॉर्चेस लगा रहे हैं गाइस। एंड ये लग गई यहाँ पर टॉर्चें। वैसे उजाला वैसे बहुत हो चुका है इधर, काफ़ी है। और मेरे को वो तो मेरे को गाइस एक दिन बैठ के करना ही है कि यहाँ पर जितनी भी ये लाइट है ना, उनको गाइस कंप्लीट करना है। ये क्यों नहीं बढ़ रहा है यार आगे? अरे हाँ वे गाइस, गेट है ना, इसलिए सीधे रहेंगे। ओके, यहाँ पर गाइस मैं एक तरीके से लाइटों को तो पूरा करने वाला हूँ। तो अभी हो चुकी है रात, तो अभी मैं सो जाता हूँ। और मैं अगले दिन से ऐसा वर्क करने वाला हूँ कि गाइस किसी ने सोचा नहीं होगा।
तो निकालते गाइस बेड और एक बार सो लेते हैं। एंड गाइस बालकनी मैंने इधर साइड भी की है तो मीन्स यहाँ पर स्पेस बहुत कम हैगा, दोनों साइड बालकनी हैगी। एंड यहाँ पर लगाते हैं दो बेड, जस्ट जैसे ही आप ऊपर आओगे आपको मिलेंगे दो बेड एंड ट्रैप डोर। वेयर इज गाइस ये मैंने थोड़ा सा अलग किया है, ये नहीं गाइस ये देखिए ये थोड़े से अलग हैंगे एंड ये थोड़ी सी अच्छी लुक देंगे। ओके तो इसको करते रहते हैं, अभी तो टेम्परेरी क्या है। अब मैं गाइस इधर साइड थोड़े टीवी वगैरह लगा देता हूँ बिकॉज मैंने नीचे भी लगाई है आई थिंक, या गाइस मैंने नीचे लगाई है ये तो मुझे यहाँ पे थोड़े से स्लैब लगाने चाहिए, स्लैब जैसे मैंने जस्ट नीचे लगाए थे वैसे ही। ओके लग जा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। इस बार भी गाइस मैंने पूरे पिक लगाई है, नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, बस टूकी चाहिए होती, मैं हर बार टूकी लगाता हूँ वो गाइस अच्छी लुक देती है। ओके कुछ यहाँ पर थोड़ा वियर्ड सा लगाने का कुछ है ही नहीं गाइस, फ्लावर पॉट ही है एक एक्स्ट्रा लेता हूँ गाइस, फ्लावर पॉट एंड एक बढ़िया सा फ्लावर। ओके गाइस अब मैं सोच रहा हूँ एक क्रीपर का हेड आप लोग इधर लगाए थे गाइस, और इधर देखिए एक फ्लावर पॉट, इधर भी एक फ्लावर पॉट, ये लगा दिए फ्लावर्स गाइस कितना मतलब सही लुक आ रहा है एकदम। और इधर थोड़ी सी गाइस अपनी क्राफ्टिंग की टेबल्स, क्राफ्टिंग टेबल्स वगैरह एंड यहाँ पर चाहिए अपने को चेस्टेस गाइस, चेस्ट चेस्ट से तो मैं इस एरिया को पूरा भर दूंगा। अब यहाँ पर लगाने वाले आप लोग वेयर इज कहाँ है यार, मतलब येरा फर्नेस, हेरी चेस्ट, नहीं चेस्ट लगा देंगे, स्टोन कटर, क्राफ्टिंग टेबल, ये जो भी है इस नाम तो मुझे भी याद नहीं रहते। एंड यहाँ पर एक और चेस्ट, मतलब चेस्ट भी लगाने वाला हूँ इसमें, इस भर भर के चेस्ट लगाने वाले हूँ इस बार। तो मैं क्राफ्टिंग टेबल का इस गलती से इधर उधर हो गया, क्राफ्टिंग टेबल लेते हैं अब एंड क्राफ्टिंग टेबल, फिर यहाँ पर स्टोन कटर, फिर एक एनविल निकालते हैं अब, ऐसे एनविल भी चाहिए, एनविल इस तीनों टाइप के सिवा एनविल लेने वाला हूँ मैं। एक चलिए छोड़ते हैं, एक येरा और एक येरा, एक इधर लगा दो और एक इधर एंड एक म्यूजिक की डिश। और हाँ इधर थोड़ी सी लाइट की कमी हैगी तो लाइट को वाइस मैं इस बार ऊपर लगाने वाला हूँ मीन्स यहाँ पर। ओके ओके एंड ओके इस तीन लाइटों में तो अपना वर्क हो ही जाएगा पूरा, मतलब ओवरऑल अलग ही दिखेगा। तो ट्रैप डोर लेते हैं एंड ये भी इधर भी, कैसे ऐसा मैं तीनों सेट कर दूंगा, मतलब तीनों जो भी लाइट लगाई है मैंने उस पर कर दूंगा तो एक अलग ही लुक आएगी, ये देखिए। एंड अरे यार ये थोड़ा सा कैसे ये गलत हो जाता है। ओके ओके बस दो दो लग चुके हैं, ये आइडिया मुझे बस जस्ट अभी आया कि मुझे ऐसा भी कुछ वियर्ड सा आइडिया आया, थोड़ा अलग हैगा लेकिन ये इससे लाइट की फैसिलिटी तो हो जाएगी पूरे में और स्पेस भी कम ही लगेगा क्योंकि स्पेस डायरेक्ट ऊपर ही हैगा तो ठीक ही हैगा ये। वैसे यहाँ पर कैसे मैंने कुछ ज़्यादा नहीं भरा है तो थोड़ा सा इसको भरते भी हैं एंड थोड़ी सी यहाँ पर चेयर्स भी होनी चाहिए तो एक एक चेयर रखने वाले, ज़्यादा नहीं बस एक दो ले लेते हैं, नहीं यार बस एक ही रखता हूँ अब तो, मेरा फाइनल हो गया कि एक ही रखनी है। और ट्रैप डोर निकालते हैं, इस ट्रैप डोर इसके साइड में लगाने वाला हूँ मैं एंड इधर भी। ओके और पीछे की साइड में एक डोर, डोर कौन सा लगाऊँ मैं, ये वाला डोर नहीं, ये तो बहुत ही बेकार लुक देने वाला है, लग भी रहा था जैसे इसकी शक्ल देख के, लग जा प्लीज। ओ हो लुक तो वैसे इसने बढ़िया दी है एंड इधर भी ये लुक बढ़िया आई है। तो गाइस आपको सेकंड फ्लोर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आज के साले वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।